फ्रेंड्स, वेलकम ऑन जीआरएस टेक्निकल। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 10th साइंस। तो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रही हूँ, और मैं आप लोगों को यही प्रिस्क्राइब कर लूँगी कि आप भी एनसीईआरटी बुक से पढ़ो, ताकि आप लोग को भी अच्छे नंबर आए। सो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। तो कार्बन एंड कंपाउंड थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, और अगर आप क्लास 11th में साइंस लेना चाहते हो, साइंस 11th 12th में साइंस लेना चाहते हो, और आगे भी साइंस में कुछ करना चाहते हो, तो ये चैप्टर आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा। और अगर नहीं भी, अगर आप पढ़ लेना चाहते हो साइंस, तो भी आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकोगे साइंस में, केमिस्ट्री में, क्योंकि हमारे बोर्ड्स में बहुत साइंस के नंबर अच्छे आते हैं, और आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए तो आपको इस चैप्टर को थॉरली पढ़ना होगा। तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, एंड द एटमोसफियर हैव 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एनसीईआरटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल 4.1, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना। एसिटिक एसिड CH3COOH, मेल्टिंग पॉइंट 290, बॉइलिंग पॉइंट 391, क्लोरोफॉर्म CHCl3, मेल्टिंग पॉइंट 209, बॉइलिंग पॉइंट 334, इथेनॉल CH3CH2OH, मेल्टिंग पॉइंट 156, बॉइलिंग पॉइंट 351, मीथेन CH4, मेल्टिंग पॉइंट 90, बॉइलिंग पॉइंट 111। इस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चंस कंफ्यूज करने वाले आते हैं आपके प्री बोर्ड्स में भी और बोर्ड्स में भी, तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ना। मतलब ये साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपेयर टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट इन आउटर मोस्ट शेल एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैसेस कन्फिगरेशन। द एटोमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। एटोमिक नंबर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अच्छा से याद कर लो, तो आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे फिगर्स 11th में आता है बनाने को, 10th में भी आता है बनाने के लिए बोर्ड्स में, लेकिन आपके आएगा, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये सब क्लास के एग्जाम्स और ये सब माइनर एग्जाम्स होते हैं, बट वो आपका परफॉर्मेंस को जज करते हैं कि आप कितना अच्छा ला सकते हो। लेकिन अगर आप बोर्ड में अगर आपके कुछ गलत नंबर आते हैं तो वो बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू एंड टेल यू डैट आप ये सब बॉन्ड्स को अच्छे से बना के प्रिपेयर करवा लेना। द एटोमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। चैप्टर में पेज नंबर 64th में टेबल नंबर 4.2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। फिर इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, एस्टरीफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन, इन दोनों को डिफरेंसेस करने आएगा और आपसे एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स के साथ पूछेंगे कि ये होता क्या है और क्या इसका यूजेज होता है। तो आप लोग अच्छे से इसको लिख लेना, और यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। मैं आगे इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मार्क करवाऊंगी इस चैप्टर के थ्रू, तो मुझसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू।